रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन कैसे हैं जी आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फहीम इसहाक। आज के इस वीडियो के अंदर देखते हैं जी कि ये मेरे पास एक सेटेलाइट फाइंडर है GT मीडिया V8। तो इसका मैंने आपको कुछ इस बारे में बता दिया था पहले भी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसका सॉफ्टवेयर हम लोग कैसे अपडेट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है जी गूगल में। गूगल में जाने के बाद आपने GT मीडिया V8 फाइंडर लिखे, आपने न्यू सॉफ्टवेयर वहां पे लिख देना है, ठीक है। और वहां से जो है लिंक आएगा, वहां से आपने इसको जो ये जो जनवरी 2020 वाला है आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको, ये देखें मैंने USB कनेक्ट की हुई है, USB में आपने इसको सॉफ्टवेयर के डाल लेना है। और उसके बाद इसको जो है वो यहाँ पे इसको लगा लेना है। तो ये मेरे पास बिन फाइल में है, अब इसको मैं ट्राई करता हूँ आपके सामने और देखते हैं जी ये होगा या नहीं होगा। तो इसको नीचे इसमें जाके इसको स्टार्ट करता हूँ। ओके, ये देखिए जी ऑप्शन आ गया है ओके का, मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो ये मैं आई थिंक 100 तक जाएगा और बस सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। ये इसमें ख़ास तौर पे आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हों तो आपकी चार्जिंग कम नहीं होनी चाहिए ताकि बंद ना हो जाए। तो इस वक्त मेरे पास चार्जिंग बेहतर मौजूद है। तो ये देखें जी 32.3% हो चुका है। तब इसने बड़ी तेज़ी के साथ पकड़ ली है काफ़ी आगे तक। और अब ये देखते हैं जी कैसा है सॉफ्टवेयर। ये देखें जी हो चुका है और अब ऑन होने वाला है, देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों जब तक ये ऑन होता है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो टाइम पे मिल सके। तो ये देखें जी हो चुका है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ये पूछ रहे जी कौन सी ऑन करना चाहते हैं, तो इसको हम कह देते हैं जी ओके, इंग्लिश ही ठीक है। तो एक मिनट हाँ, तो ये इसको मैं ओके कर देता हूँ। एक मिनट, प्रेस ओके की टू सेलेक्ट मेन्यू सेलेक्ट करना है इसको। तो अब वो कह रहा है जी कि आप मेन्यू प्रेस करें जी। तो इसको हमने मेन्यू प्रेस कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है, ये मतलब सेटेलाइट के नाम पूछा है, नहीं सॉरी ये एशिया वगैरह के बारे में पूछा है। तो इसको दोबारा हमने मेन मेन्यू में इसको दबा देते हैं। हाँ तो ये अब देखें इसका मुकम्मल इसके बारे में ओपन हो चुका है। देखते हैं जी इसमें क्या क्या है। UPI अपडेट, तो इसके अंदर हम देखते हैं जी कि तो यहाँ पे इसकी हम इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं जी हार्डवेयर वेरिएंट जो है अगस्त 2019, ये नया सॉफ्टवेयर है जी जनवरी 2020 का। तभी ये इस वक्त यही मेरे पास मौजूद था जो इसको मैंने आपके सामने अपडेट किया है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अब आपको इसको मज़ीद जो है क्योंकि आपने नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया है तो चेयर मेरे पास से सारे डिलीट हो गए हैं। तो मुझे डिश के साथ कनेक्ट करके इन चैनल्स को दोबारा स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करने का तरीका तो वैसे आप पहले से ही जानते हैं। तो अब आप मुझे दीजिएगा इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।